साथियों, हरियाणवी की जब बात चलती है तो हमें सिर्फ लक्ष्मीचंद, बाजे भगत, मांगेराम ये याद आते हैं। हरियाणवी वहीं नहीं खड़ी है, हरियाणवी के लेखन का स्वरूप बदल रहा है। उसमें गज़लें लिखी जा रही हैं, उसमें छोटी लघु कथाएँ लिखी जा रही हैं, उसमें राजनीतिक लेखन हो रहा है, उसमें व्यंग हो रहा है। उस हरियाणवी भाषा एक बन रही है। जिस हरियाणवी को बोलते हुए 15 साल पहले यूनिवर्सिटी में ये कहा जा सोचते थे कि वो एक हमें पिंडू, देहाती, गंवार समझा जाएगा, आज वो हरियाणवी एक ब्रांड के तौर पे बहुत ही उसके तरह पे बोल रहे हैं लोग। तो हरियाणवी एक बनती हुई भाषा है और स्वाभाविक है कि हरियाणा की धरती में पता नहीं ऐसी क्या बात है कि यहाँ पे सब दोहे, कविताएं, वो भी तुकबंदी वाली चीज़ें लिखी जा रही हैं और कोई भी भाषा प्रोज से बनती है। जब गद्य में लेखन होता है तभी भाषा का निर्माण होता है। तो लेखक यहाँ पे बैठे हुए हैं जो हरियाणा के लेखक के तौर पे जाने जाते हैं, यदि वो जो यहाँ की लोकल भाषा है, जो यहाँ के लोगों की भाषा है, स्थानीय भाषा है, उसमें भी वो शक्ति मौजूद है कि जो लोगों की पीड़ाओं को, तकलीफ़ों को अभिव्यक्ति कर सकती है। तो एक बदल रहा है, हरियाणवी का स्वरूप बदल रहा है, उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, उसको स्वीकार करने की ज़रूरत है कि वो किस तरह से अब आगे दिशा लेगी, इस पर विचार विमर्श करेंगे। और मैं आमंत्रित करता हूँ अमन वशिष्ठ जी को। पहले तो मैं एक बार फॉर्मल तरीके से, हालांकि सभी एक्टिविस्ट साथी हैं तो जानते ही हैं, लेकिन एक बार मैं फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी, औपचारिकता के तौर पर एक बार हल्का सा इंट्रोडक्शन करा दूं। जो सबसे दाहिने, मेरे सबसे दाहिने यानी कि आपके सबसे बाईं ओर बैठे हैं, नवरत्न पांडे जी, हिंदी के लेक्चरर हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा के अंदर और लंबे समय से साहित्य सर्जन के अंदर रत हैं। दूसरे बीच में जो बैठे हैं प्रोफेसर सुधीर शर्मा जी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे हैं और इनका बहुत बड़ा परिचय है। दो चार में छोटी छोटी बातें बता दूं कि हरियाणा के हेरिटेज में, आर्ट हेरिटेज में, जो कला, जो हमारी परंपरा है, उसके डॉक्यूमेंटेशन में प्रोफेसर सुधीर शर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान है। इंटेक के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड रहे हैं प्रोफेसर शर्मा जी और कुछ हरियाणवी किस्सों का अंग्रेजी अनुवाद भी इन्होंने किया है। थिएटर के साथ बहुत क्लोजली जुड़े रहे हैं, एक बड़ा व्यापक परिचय है। बस छोटा सा इतना ही मैं कहना चाहूँगा, बाकी तो बातचीत में बातें आएंगी। साथ में जो हमारे बैठे हैं प्रोफेसर रणबीर सिंह दहिया जी, लगभग सभी एक्टिविस्ट इनके नाम से बड़े अच्छे से वाकिफ हैं। पेशे से सर्जन, सर्जरी के प्रोफेसर रहे हैं। फौजी मेहर सिंह पर बड़ा गहरा काम प्रोफेसर दहिया जी ने किया है। ज्ञान विज्ञान आंदोलन को शुरू करने वाले हरियाणा में जो शुरुआती जो लोग हैं, जो बेस जिन्होंने तैयार किया, उनमें से एक प्रोफेसर दहिया जी हैं। उसके कर्णधार एक तरीके से कह लें, अब भी हरियाणा विज्ञान मंच के साथ, ज्ञान विज्ञान समिति के साथ क्लोजली एसोसिएटेड हैं। स्वास्थ्य को लेकर, जन स्वास्थ्य को लेकर बहुत एक्टिवली काम करते रहते हैं और एक लेखक के रूप में इनका परिचय ये कि हरियाणवी लोक साहित्य का लगातार सृजन कर रहे हैं। ये तो एक छोटा सा औपचारिक परिचय हुआ सबका। मैं निजी रूप से चाहूँगा कि पहले प्रोफेसर सुधीर शर्मा जी, सबसे वरिष्ठ हमारे बीच में हैं, उनसे बात शुरू की जाए। मंच को और दर्शकों को, सभी को मेरा प्रणाम, अभिवादन। समय को देखते हुए मैं संक्षिप्त में, देखिए जो शीर्षक है वो है हरियाणवी में लेखन का बदलता मिजाज। तो बदलते मिजाज से पहले हमें ये देखना होगा कि किस चीज़ में बदला है। हरियाणा बनने से पहले ये सब चीज़ें मौखिक थी, तो पहला पड़ाव ये था कि इनको लिपिबद्ध किया जाए, वो हो गया। उसमें जितने भी सांग थे उन पे अच्छा काम हुआ। अलग अलग आदमियों ने, लक्ष्मीचंद पर डॉक्टर पूर्णचंद शर्मा ने, मेहर सिंह के ऊपर रामफल चहल ने, मांगेराम पर रघुवीर सिंह मथाना ने, यानी एक वो एक कोष तैयार हो गया कि ये इतने सांग, कुछ रह भी गए हैं, उन पे काम हो रहा है। दूसरे हमारे इसी तरह लोकगीत। अब बदलाव क्या आया है वो देखना, कमी कहाँ रह गई है। और जो सांग की रागनी है उसमें भी कितना कुछ हम तक पहुँच पाया है और कितना अभी पहुँचना बाकी है। एक तो बात ये है कि हम अपने पुराने लोक गायकों, लोक लेखकों में दो बातें देखते हैं और बाद में भी, कि हरियाणा का बड़ा महिमा मंडन किया गया है। देसा में देश हरियाणा, जो दूध दही का खाना, जैतराम से लेकर के राज तक बहुत एक बड़ी आइडियलिस्टिक, बड़ी रोमांचकारी और आदर्शवादी तस्वीर प्रस्तुत की गई है। तो एक बदलाव ये आया है कि विद्रोही स्वर भी
उभर कर आने लगे हैं, कुछ तो हमने सुने भी और कुछ लिखित रूप में भी है। इस काम को बहुत सारे लेखकों ने किया है, ये तो हम सब जगह सुनते आए हैं, कविता में भी गीतों में भी, कि नंबर वन हरियाणा, देशा में देश हरियाणा, यहाँ पर महाभारत हुआ था, यहाँ पर कार्तिकेय की राजधानी रोहतक थी, वगैरह वगैरह। लेकिन उसके विपरीत सुर भी आए जो नई बात है, वो डॉक्टर दहिया की एक नज़्म इसी किताब में आप, वो स्पष्ट कहते हैं, मजदूर और किसान बिना, इन सब के सम्मान बिना, चेहरे पे मुस्कान बिना, हरियाणा नंबर वन कोन्या, हरा भरा हरियाणा जित दूध दही का खाना, खून की कमी गर्भवती में 10% बढ़ जाना, हम सब के उपकार बिना, बसते हुए घर बार बिना, लिंग अनुपात सुधार बिना, हरियाणा नंबर वन कोन्या। ये एक नई बात आई है। अब यह कि सारा हरियाणा इसको क्यों नहीं मानता, इस पे भी बड़ा विचार हुआ है। देखिए, हरियाणा आज एक संक्रमण काल से गुजर रहा है। हम लेबल लगा करके ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति, ये भाग, ये उपभाग हरियाणा है, ये ग्रामीण है या ये शहरी है। एक आदमी दिल्ली नौकरी करता है और गांव में रहता है, तो जब जाता है तो हरियाणा की एक स्लाइस वो दिल्ली ले जाता है और पटेल चौक के पास बैठ कर के घड़वे पर रागनी गाता है और शहर के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, समझ में नहीं आता लेकिन उसकी चाल ढाल से खुश होते हैं। जब वापस आता है तो भारत की राजधानी की एक स्लाइस, एक परत वो अपने गांव में ले आता है। अब इसको क्या कहेंगे आप, यह हरियाणवी है या ये ग्रामीण है या शहरी है। ये फ्यूजन संगीत में भी हो रहा है, साहित्य में भी हो रहा है, ये फ्यूजन भाषा में भी हो रहा है। कई बार ये होता है कि भाषा में थोड़ा थोड़ा इन पर टिप्पणी करूँगा, क्योंकि जैसे बताया कि समय कम है, कि भाषा अपने आप में कोई अच्छी या बुरी नहीं होती। भाषा अलग तो ज़रूर होती है लेकिन उसकी प्रस्तुति कैसी है इस पर निर्भर है। ये कहना पड़ेगा कि हरियाणा में चाहे नृत्य हो, गायन हो, वादन हो, भाषा हो, लेखन हो, उसकी प्रस्तुति बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए उसमें आकर्षण नहीं होता। सवाल ये नहीं होता कि भाषा कैसी है, सवाल ये होता है कि उसको बोलने वाला कौन है। अगर बातचीत में मैं हरियाणवी बोलता हूँ और मैं कहता हूँ ये महिला कौन है, तो ठीक है, मैं कहता हूँ या लुगाई कौन से, एकदम नजरें उठती हैं। लेकिन जब गोविंदा गाना गाता है और कहता है मुझे ऐसी लुगाई चाहिए, सारा हिंदुस्तान गाता है। बहुत पहले एक फिल्म आई थी बावरे नैन, उसमें एक केदार शर्मा ने पूरी की पूरी रागनी लेनी चाही थी लेकिन गायिका राजकुमारी उच्चारण ठीक नहीं कर पाई। उन्होंने कहा पहली लाइन तो यूँ ही रहेगी, और पहली लाइन थी बलम रे सच बोल इब के हो क्या होगा। अब इब ऐसा शब्द है जो उसके बाद कभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ लेकिन सारा हिंदुस्तान कहता है। जवान छोरी फांसी खा जा, फेर के बाकी रह जा, स्वामी कोई कारण नहीं या दुनिया के कह जा, गामोली छोरी छोट पढ़ लिख नहीं दुनिया चावे देखो, नया विचार उसने बेचैन घना कर जावे देखो। और फिर जेंडर वायस कितना खतरनाक, इसका बेरा लाग गए, उत्साह डिप्रेशन बार बार भीतर छोरी के जाग गए। अभी हरियाणवी भी है, अंग्रेजी भी है और हिंदी भी है, तो वो विशुद्धता अब क्योंकि फ्यूजन का ज़माना आ गया है नहीं रहती है। हरियाणवी में बड़े अब नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, उसके अंदर कव्वाली, गज़लें, रैप ये भी होने लगे हैं, पॉप। अब बहुत से लोग कहते हैं ये ठीक नहीं है, परंपरावादी, और जो बहुत से आधुनिक बच्चे हैं वो कहते हैं कि जब सब जगह हो रहा है तो हम भी करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि लेखक को इस सारी दमा चौकड़ी में अपनी जगह ढूंढनी है, वो क्या कहना चाहता है और क्यों कहना चाहता है। ऐसा भी नहीं है कि परंपरागत साहित्य में वो बातें नहीं है जो यहाँ हैं। टैगोर ने कहा था ए टीचर इज़ वन
हु इंस्पायर्स, शिक्षक वह है जो प्रेरणा देता है। लक्ष्मीचंद ने भी कहा था, लक्ष्मीचंद नहीं पढ़ रहा से, गुरु की दया से दिल बढ़ रहा से। ABC की पढ़ाई ज़रूरी नहीं, दिल के बढ़ने की पढ़ाई ज़रूरी है। लेकिन कितने लोग हैं कि उन पर रिसर्च की हो, कितने लोग हैं उस लक्ष्मीचंद का अनुवाद किया हो, कितने लोग हैं कि लक्ष्मीचंद को इंटरप्रेट किया हो। मैं समझता हूँ ये पहला मौका ऐसा है कि जो ग्राउंड लेवल पर जो यशपाल शर्मा कर रहे हैं वो अभी तक लक्ष्मीचंद पे हुआ नहीं है। अभी एक फिल्म बनाने की कल्पना ही है, लेकिन कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा गायक नहीं छोड़ा कि जिससे मिलने का प्रयास नहीं किया गया हो। लेकिन इसको ये मान करके कि ये आजकल की चीज़ नहीं है, सब चीज़ें आजकल की हैं, पुराने में भी वो सब बातें हैं, लेकिन उनको फैशन कहिए या समय का प्रभाव कहिए, पुराने परंपरागत रागनियों को ना तो ढंग से प्रस्तुत किया गया है और ना अच्छी तरह से उनको प्रचारित प्रसारित किया गया है। एक रागनी के बोल जो आजकल की कविता से बहुत कुछ मिलते जुलते हैं वो ऐसे ही हैं जो किसी भी संवेदनशील कवि के लेख से पर कलम से लिखे जा सकते हैं। बोल है, सारा सामन बीत गया, झूल पड़ी ना डाले में, तेरी फोटो गेल लड़ा जासू जो धर गया था आड़े में। अब ये बहुत संवेदनशील है कि जिसके ऊपर सारे जॉइंट फैमिली सामूहिक परिवार का बोझ है, अकेली है, बात करने के लिए कोई है नहीं, तो फौज में पति जो है उसकी फोटो आड़े में रख करके वो उससे लड़ाई करती है। अब ये जो बड़े बारीक पक्ष हैं इनको ना अच्छी तरह से समझा गया है और ना समझाया गया है। एक मुख्य बात यह है कि ये जो संस्कृति है ग्रामीण, उसको संरक्षक नहीं मिला है, और बिना संरक्षक के कोई संस्कृति आगे नहीं जाती है। बड़ी है लेकिन उस स्तर पर नहीं जैसे बढ़नी चाहिए थी। नवाब झज्जर जो हैं वो संरक्षक थे, तो एक ज़माना था जब झज्जर को कहा जाता था उस्तादों का शहर। बहुत से लोग पाकिस्तान चले गए, अब कुछ हो नहीं रहा, अंग्रेज़ों ने बहुत दबाया, तो वहाँ भी अब कुछ नहीं होता। लोग संरक्षण देते हैं लेकिन गांव के सीमित दायरे में, उसके बाहर भी संरक्षक नहीं है, सरकार की ओर से भी नहीं है। ऐसे ऐसे प्रांत हैं जहाँ पर कई कई अकेडमीज़ हैं, कश्मीर के अंदर 3 हैं, डोगरी की अलग है, उर्दू की अलग है, लद्दाखी की अलग है, राजस्थान में 7 हैं। अब राजस्थान के लंगा को, मांगणियार को सब जानते हैं, हरियाणा के जोगी को, समैया को कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि उनको सरकार का प्राशय नहीं है। 50 साल हो गए लेकिन अभी तक कोई सांस्कृतिक पॉलिसी नहीं है, और जो लोग कुछ काम भी कर रहे हैं वो अलग अलग जगह कर रहे हैं। इसी में किए कि जो एक बहुत बड़ी रुकावट ये है वो शायद अवचेतन में ही है कि मैं अंग्रेज़ी में कहता रहा हूँ कि हमारा बड़ा इंसुलर कल्चर है, द्वीप का कल्चर है, कि हर एक आदमी अपने द्वीप में प्रसन्न है और उससे आगे बढ़ने की इच्छा भी नहीं रखता है। नतीजा ये कि हरियाणा की संस्कृति बहादुरगढ़ से आगे नहीं है, हरियाणा की संस्कृति फरीदाबाद से आगे नहीं है। एक ऑल इंक्लूसिव संस्कृति नहीं है जिसके अंदर अहिरवाटी भी हो, जिसके अंदर मेवाती भी हो, जिसके अंदर ब्रिज भी हो, जिसके अंदर जाटू भाषा भी हो, और हम कहें कि ये सब हरियाणवी के अंग हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये जो उपभाग हैं ये भी सामने आ रहे हैं। एक नौजवान है मेवात के गांव, मेवात में गांव है, नाम मैं भूल गया, डॉक्टर माजिद मेवाती, उन्होंने मेवात में पुस्तक लिखी है जिसमें लोगों का आकर्षण बढ़ा है। एक सत्यवीर मानव है, उन्होंने अहिरवाटी के संतों पे लिखा है। अब इनके ऊपर भी काम हो तो लगे कि हरियाणा में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अभी तक उपेक्षित हैं। अभी ऑल इंक्लूसिव भावना पैदा नहीं हुई है, वो किसी ने बात तो किसी मजाक में कही थी, लेकिन अंदर मुझे लगता है कि संस्कृति का ही
हिस्सा है। चौपाल में लोग बात कर रहे थे, किसी का लड़का मेजर हो गया, तो एक ने आके कहा भाई उसने बड़ी तरक्की करी, मेरठ जाकर मेजर हो गया। बोले उड़े हो गया तो केस है, हमारे गांव में बन के दिखावे। अब गांव में कोई कंटोनमेंट थोड़ी खोल रखी है। तो वो जो भाव है वो अभी तक है कि मैं, मेरा इलाका, मेरा गांव, मेरा पाना, मेरा परिवार और सबके ऊपर मैं। ये जो चेतना है, ये कलेक्टिवनेस जो है 50 साल में आई है, लेकिन इस वजह से नहीं कि एक आदमी जब कोई बात करता है। अभी जैसे वो ये जो सींग लजने वाली बात है बड़ी मुझे ठीक लगती है, हर एक क्षेत्र में इस तरह का है। अगर ये ख़त्म हो जाती है तो फिर उसके बाद वो बिरादरी भी अट जाती है, कहीं कहीं और चीज़ें भी, शहरी और ग्रामीण भी हो जाता है, और इस तरह के बहुत सारे डिविजन्स। जब फ्यूजन के ज़माने में ये चीज़ें हों तो लेखन के लिए वो अच्छी नहीं है। भाषा बदल रही है, अब हमें वो नहीं रहना चाहिए कि हम ठेठ वही भाषा बोलें जो लक्ष्मीचंद, मांगे राम, बाजे नाई, जमवा मीर ये सब बोला करते थे, या हमारे जोगी जो हैं गाथाएं गाते हैं। निहाल देवी की कथा की भाषा आजकल के युवाओं को समझ में नहीं आएगी, लेकिन उसमें ये भी है कि इसमें मीडिया का भी बहुत एक अहम किरदार है। हिंदी के अखबार में मैंने पढ़ा डिप्टी कमिश्नर ने सर्दी की वजह से 3 दिन की छुट्टी करवा दी स्कूलों में, तो खबर आई थैंक यू डीसी अंकल आपने छुट्टी करवा दी। अब ना वो हरियाणवी तो दूर की बात है, वो हिंदी में भी नहीं लिखा, वो ये भी लिख सकते थे बच्चे खुश हैं 3 दिन की छुट्टी। तो ये सब जगह हो रहा है, ये मीडिया में भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी। तो इसलिए इस बात का बहुत अफसोस नहीं मनाना चाहिए कि अब जो है भाषा में विकृति आ रही है, विकृति नहीं आ रही है, ये सब जगह और जगह भी हो रहा है। कई बार पढ़ते हैं कि हरियाणवी एंडेंजर्ड भाषा हो जाएगी, यानी समाप्त हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं होगी। जहाँ पे इतना चिंतन हो रहा हो, इतनी बातचीत हो रही हो, लेखन हो रहा हो, तो ज़रूरी ये बिल्कुल संभव नहीं है कि ये भाषा जो है एंडेंजर्ड हो जाए, ख़तरे में पड़े। दो उदाहरण मैं देना चाहूँगा। मारी जिस दिन भावज मेरी किस है आग में जड़न लगे, तू उस दिन रोइए अपना धीरज खोइए, अपनी बहू के मुखड़े पर बेटी की हुनियार टोइए, उसके बाद तने ना रोना पड़ेगा, किसे ने कुआ जोड़ना टोना पड़ेगा। यानी एक नई सोच है जिसके बारे में बड़े चिंतित रहते हैं। और इसी बात से एक और कवि है, उसने कुएं का मानवीकरण करके एक कविता लिखी जिसका शीर्षक है गाम सा जला कुआ। और वो कहता है मैं कुएं में झाँका तो कुआ धाड़ मार के रोया, बोला रहे देख राम पढ़ मेरी गैल यो किसा मोटा चाड़ा हो गया। मैं बोला रहा ठीक से कुए तू अपनी करनी का पढ़ पा गया, मीठा पानी तो तने पाया पर 40 साल में 20 लुगाइया ने तू खा गया। कुआ बोलिया घना ना बोल तेरे गांव के घने भेद छुपाया रासू, हर महीने एक अध जन्मी छोरी ने खा रासू, कोई पोलोथीन में पत्थर और लोथड़ा घाल के मेरा आगे फेंक जा से, और कोई मेरी गूंड में फेंक जा फेंक के कुत्तिया ने खुआ जा से, तेरे आगे हाथ जोड़ू तू मने इस पाप से बचा ले, गांव में तागड़ी पगड़ी करवा के मने ठाडा भरवा दे। अब ये मानवीकरण पर्सोनिफिकेशन कुएं का हो गया, उसमें भी हम बड़ा अभी तक हम कुएं का बड़ा एक रोमांचकारी बड़ा आदर्शवादी कि उसमें छनक छनक कुआ करती, घूंघट का झपट्टा लग गया करता। तो आपके दृष्टिकोण से वो हो सकता है, लेकिन उस महिला की सोचिए जो दो घड़ ले करके एक हाथ में बाल्टी दूसरे कंधे पे नेजू और इस हाथ के अंदर कुछ लेके जाए, इसलिए कि आप उस दृश्य को देख के स्वयं खुश हो जाएं। बहुत ही अच्छी तीन पैर के टून पैर के जाया करती, ये होता था वो एक नॉस्टैल्जिया है, बीते ज़माने की बात को याद करके खुश होना। लेकिन हरियाणा के नए लेखन में ये बातें भी आ रही हैं। ये मैंने दो उदाहरण दिए, इस तरह की और बहुत सारी कविताएं हैं। गांव और शहर के बारे में भी, शहर की लूट खसोट आपाधापी इस पर भी, और ये चीज़ें पसंद भी की जा रही हैं, ऐसा नहीं कि कवि अपने लिए लिखता है।
एक पंक्ति मैं इसमें से लेता हूँ कि शहर में अपनी अपनी ढपली और अपने अपने गीत गावे से, बेबे शहर हमें मानस नहीं, ऊंची ऊंची बीत रहे में से आदमी नहीं रहता, वो असंवेदनशील लोग हो जाते हैं मारधाड़ देख करके। इसके बारे में भी बहुत कुछ लिखा जा रहा है। और डॉक्टर दहिया ने तो अपनी हर एक रागनी को एक नया रूप भाषा से भी, भावनाओं से भी, भावों से भी और प्रस्तुतिकरण से भी। मेरी हमेशा शिकायत ये रही है कि चाहे रागनी हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो प्रस्तुतिकरण जो है वो बहुत मजबूत नहीं है। वो जबान एंडेंजर्ड होती है जो धीरे धीरे विकसित नहीं होती, जहाँ इस तरह की गोष्ठी हो, सेमिनार हो, यूथ फेस्टिवल में बात आए, यूथ फेस्टिवल में ऐसी ऐसी कविताएँ, नज़में, गीत आएँ, तो वो भाषा कभी ऐसा नहीं कि मिट जाएगी। कई बार हमारे परंपरावादी मित्रों को बड़ा लगता है कि जी अब हरियाणवी ने कौन पूछा ऐसे, दादा लक्ष्मी ने तो भूल गए। जब एक आदमी एक फिल्म बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, जब एक आदमी जो है लिखने में अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग कर रहा है, हिंदी के शब्दों का, तो भाषा लुप्त नहीं हो सकती। और क्यों नहीं हो सकती, मैं इस कविता को पढ़ता हूँ और उससे आश्वस्त मैं भी होता हूँ और आप भी होंगे कि ज़मीन का हुस्न है, खेतों की ताजगी है जुबां, रहट की लय है तो पनघट की रागनी है जुबां, जबां मचलती है मिट्टी में चहचहों की तरह, जबां उबलती है आंगन में कहकहों की तरह, जबां तनती है चौपाल में जवां की तरह, जबां बनती है बैठक में दास्तां की तरह, न दफ्तरों में न फाइलों में ढलती है जबां, पाक गांव की गोरियों की तरह, जबां अजीम है माओ की लोरियों की तरह, जहां कोई भी ये हो एहतराम करते चलो, और छांव जहां भी घनी मिले आराम करते चलो। इसलिए हरियाणवी को कोई ख़तरा नहीं है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब का, जिन्होंने बड़े तफसील से बहुत सारी चीज़ों को रखा। मैं दो चीज़ें यहाँ पर ध्यान आ रही थी, फ्यूज़न की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब। स्नेहा खानवलकर एक म्यूज़िक डायरेक्टर है बॉम्बे के अंदर, और उन्होंने ओए लकी लकी ओए फिल्म के अंदर तू राजा की राज दुलारी को इलेक्ट्रिक गिटार के साथ पेश किया था। वो बहुत सारे लोक धुनों को इकट्ठा करती रहती हैं, और मेरा ख्याल है कि वो उस तरीके से फिर क्लब में बजने वाला पहला हरियाणवी गाना था तू राजा की राज दुलारी। मांगेराम की रागनी है, शिव पार्वती का संवाद है, वो मुझे फ्यूज़न से याद आया। और ये कि डॉक्टर साहब ने बहुत तफसील से ये बात रखी कि हरियाणवी में मिजाज कैसे बदल रहा है। डॉक्टर शंकरलाल यादव का काम, पहला बड़ा काम था हरियाणवी लोक साहित्य के डॉक्यूमेंटेशन का। डॉक्टर शंकरलाल यादव हरियाणा के नहीं थे, मूलतः उत्तर प्रदेश के थे, रेवाड़ी अहीर कॉलेज के अंदर प्रोफेसर होकर आए थे। उन्होंने हरियाणी का लोक, वो हरियाणवी भी नहीं बोलते थे, वो न इस्तेमाल नहीं करते थे, हरियाणी कहते थे, हरियाणी का लोक साहित्य। तब से लेकर अब तक बहुत सारी जो चेंजेस आई हैं उसको प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छे से उसके अंदर प्रेजेंट किया कि किस किस तरीके से चेंजेस को हम लोकेट कर सकते हैं कैसे। उसमें मेरे उसके बाद में इनवाइट करूंगा प्रोफेसर दहिया साहब को, उससे पहले एक टिप्पणी में जोड़ दूं। एक तो ये हरियाणवी लेखन के अंदर अभी तक जो ट्रबल मुझे दिखाई पड़ती है, वो ट्रबल ये है कि जो उत्तर आधुनिक समय के अंदर नई नई वैचारिक धाराएं आई हैं, हमारा हरियाणवी एकेडमिशियन अभी उसके साथ पूरी तरह सहज नहीं है। वो अभी बहुत सिंपलिस्टिक टर्म्स में बात करता है, यानी कि इसको मैं थोड़ा सा क्रूड शब्दों में कहूँ तो हमारे यहाँ एक बड़ी बात गर्व के साथ कही जाती है कि मैं गणा किताब भी ना हूँ, यानी कि एकेडमिशियन ये बात कहता है कि मैं गणा किताब भी ना हूँ। अध्ययन न करने को हम अपने स्ट्रेंथ के रूप में पेश कर देते हैं, मैं गणा पर डाना करता, मैं गणा किताब भी ना हूँ, तो हमने उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दिया। उससे नुकसान ये हुआ कि पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर जो एकेडमिक धाराएं आगे बढ़ रही थी, वो एकेडमिक धाराएं तो आगे बढ़ती चली गई और हम बहुत सिंपलिस्टिक टर्म्स में वो पुराने ईडीएम के अंदर बात करते रहे, तो एक गैप पैदा हो गया। तो जो हरियाणवी का लेखन था, अगर कुछ एक उसमें इंग्लिश राइटिंग से एग्जांपल्स छोड़ दें, जैसे प्रोफेसर प्रेम चौधरी का काम छोड़ दें, तो वो बहुत उसके अंदर एकेडमिक रिगर दिखाई नहीं पड़ता। वो अभी भी उसी जो है पुरानी टर्मिनोलॉजी के अंदर बात करता है। उसका अर्थ ये नहीं है कि वो यथार्थ को पेश नहीं करता, यथार्थ को पेश तो करता है, पर उसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो टर्मिनोलॉजी बहुत पुरानी है। तो इसका एक मेरे ख्याल में एक कारण ये रहा कि हम लोगों ने नई एकेडमिक धाराओं के साथ कोई बहुत दोस्ती अभी तक नहीं बनाई है। उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा प्रोफेसर रणबीर सिंह दहिया जी को कि वो आए और अपनी यहाँ बात रखें। वो कह रहे हैं बात तो सारी कह दी, मैं क्या कहूँगा। एक मतलब मैं मेरे दिमाग में ना कुछ उलझने हैं, वही रखना चाहता हूँ, कोई मेरे पास बहुत ज़्यादा साफ
कल से आज तक हम हरियाणवी सृजन की बात कर रहे हैं, लेकिन भाषा जिसने भाषा कहे हैं मैं उसको बोली कहता हूँ, अभी भाषा बनी नहीं है हरियाणवी। हरियाणवी बोली है, डायलेक्ट है ये। काल तीव्रताई हरियाणवी डायलेक्ट में हमारा एक्सचेंज नहीं है, फिर भी हिंदी में है सारा। ठेकेदारी हरियाणवी की है, बात हिंदी में है। एक चीज़ तो मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात यह कि हरियाणवी व बाकी चीज़ तो हरियाणवी में क्या है कि नहीं, बात पहले होगी। हरियाणवी मतलब है क्या, मतलब हरियाणवी का मतलब यह है कि एक हरियाणा स्टेट है और उसमें हरियाणवी मतलब जो है ना, मतलब जैसे पंजाबी पंजाबियत है ऐसे ही हरियाणवी है या तमिल है। हरियाणवी हरियाणा असल में सह के ही, मेरे तो हरियाणा ही नहीं समझ आ लिया, मतलब उसकी फिर भाषा बोली का तो उसमें क्या हो रहा है वह तो अगली चीज। मेवात मारे खाते में नहीं, हिसार और सिरसा मारे खाते में नहीं, अम्बाड़ा और यमुनानगर मारे खाते में नहीं। मतलब जो हरियाणा रोहतक जो पुराना रोहतक जो हरियाणा है, तो इससे मुझे मुश्किल नज़र आती है। मतलब पुराना रोहतक का मतलब रोहतक भिवानी सोनीपत झज्जर, मतलब पुराना रोहतक ही हुए था। अब रोहत की भाषा अगर हरियाणवी है या हरियाणवी नेशनलिटी है रोहत की, तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत है इसमें। इसलिए मैं कहता हूँ कि हरियाणवी भाषा अभी बनी नहीं है। भाषा की जो अब तक की वो व्याख्याएं की गई हैं कि पंजाब में पंजाबी भाषा आई तो पंजाबियत भी एक नेशनलिटी भी बनी, तमिलनाडु तमिलनाडु वो आया तो तमिल भाषा बनी और उसकी नेशनलिटी बनी है। हरियाणवी नेशनलिटी बन ली के बात तो इसका यो, वो छोड़ा जिले तो भी खोज लिया एनसीआर ने हरियाणा के। मैं कितना हरियाणा वो जिसकी बात करें आप, वो तो दिल्ली की मतलब पहले अभी दिल्ली की जरूरत पूर्ति करता रहा, दूध ले जाते और ले जाते, ये भी दिल्ली की जरूरत की पूर्ति कर रहा है और क्या कर रहा है हरियाणा का बड़ा हिस्सा जो है। तो मैं एक ये कहना चाहता हूँ, क्या हरियाणवी मतलब एक वो नेशनलिटी डेवलप होगी कि नहीं होगी, इस पर भी बहस की जरूरत है। मैं अभी मेरे पास बहुत कुछ नहीं है कहने को कि भाई, लेकिन ये जरूर है कि ये अलग अलग एरियाज हैं, इनने इकट्ठा करके हरियाणवी क्यों कर बनाए, वो हरियाणवी इबता ही तो दिख नहीं लिया काल तले लेके इबता ही, जिसमें मेवाती भी हो, जिसमें वो यमुना, जिसमें पंजाबी किथे जाना इतने जाना भी हो, उसमें मतलब फिर ये ऐसी लैंग्वेज अभी डेवलप नहीं हुई। वह नहीं डेवलप होगी तो कितने नाटक कर लो। मतलब तुम एक तो मेरा सवाल ये है कि भाषा को मतलब बोली को, मैं पढ़ रहा था रघुवीर मथाना की किताब पूरी, वो तो 4-5 हज़ार साल पहले तो हरियाणवी ने भाषा के रूप में देख करने लाग रह कर, मेरा तो समझ नहीं आया वह भाषा की थे। तो एक तो ये सवाल है कि वास्तव में क्या हरियाणवी नेशनलिटी बन गई है, और फिर हरियाणा में भी वो देखें तो वह बात है कि बोली का एक गाँव में बोली डिफरेंट, जैसे सोसाइटी के स्टेटा हैं डिफरेंट, एक गाँव में कई गाँव है, एक गाँव में उसमें दबंग जातियां भी हैं, उसमें जो निचली जातियां भी हैं उसमें वो भी, सबकी भाषा नहरी नहरी है, बोली डायलेक्ट जो भाषा नहीं कहेंगे उसको, डायलेक्ट अलग अलग है उनका, एक गांव में अलग अलग बसने लग रहे हुए। उसको कैसे समायोजित करें ताकि वो हरियाणवी का रूप ले सके, कि 20 शब्द जो दलित समुदाय बोलता है उसमें जो मुख्य शब्द बोलने के वो भी आवें, मेवाती भी आवें, उसमें पंजाबी की जो असर आया पंजाब का इस एरिया में वो भी शब्द आवें, और ये कुल मिला के कि हिंदुस्तानी प्रेमचंद की जो हिंदी थी उस तरह की कोई खड़ी बोली बने हरियाणा में, वह उसका हरियाणवी हो जाए फिर, अदरवाइज मुझे दिक्कत है फिर। रोहतकी को हरियाणवी कहना मेरे लिए एक दिक्कत की जगह, तो मैं इसको बोली ही मानूंगा। बोली की फिर दिक्कत दूसरी है कि जब लिखे हैं, ज़्यादा तो मेरा ज्ञान नहीं, लेकिन लिखने में भी लिपि तो हिंदी है हमारी जो लिखते हैं, उसमें भी फिर अलग अलग है। मैं जब मैं लिखता हूँ तो मैं दो मात्रा लगा कर बिंदी लाऊ हूँ, मेरे लिए मैं वो है। कई जो लिखने वाले वो सिर्फ सिंपल मैं लिखते हैं, जो कह हरियाणा मैं तो मैं लिखेगा, इब हमने मतलब वो बोली से हम कंक्रीटली कॉमन बोली में भी कॉमनलिटीज नहीं पैदा हुई, उसको हिंदी की लिपि में लिखने में भी बहुत सी मतलब वो हैं अभी दिखते हैं मतलब।
तो ये चैलेंजेस के रूप में ही मैं रख रहा हूँ। मैं बिल्कुल नहीं, जो कहा गया है या जो पीछे बात आई है कि भाई हरियाणा की जो विविधता है, हरियाणा की जो मतलब, मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूँ कि इसने एक रास्ता मत बनाओ। कल बात जो हो रही थी कि रोहत की हरियाणवी है ये नहीं चलेगा, उसमें मेवाती भी हरियाणवी है, उसमें सारे हरियाणवी हैं, उनको कैसे हम इकट्ठा करके दे? ये बहुविविधता जो है हरियाणा की, ये कैसे रिफ्लेक्ट हो अगर हम इसको एक एक भाषा के रूप में देखना चाहते हैं? ये एक चैलेंज है, वो देखना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में कैसे उस चैलेंज को हम वो करें। दूसरी बात मैं इतनी यही कहना चाहता था कि भाई जो मेरा अनुभव है वो ये है कि जैसे फेसबुक वगैरह पे या फीडबैक जब लेते हैं, भाई रागिनी, एक तो रागिनी लिख दी हुआ फेसबुक पे डाल दी, एक रागिनी कि सत्य ने गा दी या किसी ने भी गा दी, हुआ रागिनी डाली, तो इब सुन के तो राजी है हरियाणवी में, पढ़ कर राजी नहीं हरियाणवी। मतलब वो लाइक भी कर देते होंगे कई जो मतलब उस पर फेसबुक पे कि भाई यहाँ बढ़िया रागनी है, फिर वह पढ़ के लाइक करी होगी, मेरे नहीं देती। मतलब पढ़ने में तो हमने मतलब मेरी अपनी लिखे उठने मन ने दिक्कत आवा, जो पढ़ के सुनाऊ गा के तो वह सुनाओ तो अलग आ जाता है उसमें। तो अब ये मुश्किल जगह है, इनको देखना पड़ेगा कि कैसे हम, और ये जब भी होगा जैसे जो नाटक वाले उसमें बात हो रही थी कि जब तक हम आपस में, दिक्कत यह है कि मन ने एक बात कह दी, शास्त्री जी ने एक बात कह दी, अब एक तो ये है कि हम अलग अलग बातों को एब्जॉर्ब करने की, माइनॉरिटी जो ओपिनियन है उसको बर्दाश्त करने की सीमा खत्म हो गई। एक दयानंद मठ में प्रोग्राम था, मैं वहाँ चला गया तो वहाँ पूछा भाई ये फोटो लग रही थी कई, अब दयानंद मठ के प्रोग्राम में मेरे जैसा साइंटिफिक मानस ने कोई बुलाओ है तो एक एक अंतर्वीर होते, एक बुढ़ाई हो गया मतलब जो ना। मैंने माइनॉरिटी वहाँ एक चौधरी हंसराज की फोटो बताई वहीं वालों ने, और ये बताया कि जब जाट स्कूल बना है जब उस टाइम पर ये उस कमेटी में थे, और वहाँ चर्चा ये थी कि भाई एंग्लो मतलब संस्कृत और हिंदी पढ़ाई जाएगी या इंग्लिश भी पढ़ाई जाए, तो वो सिर्फ ये हंसराज जी हैं जिन्होंने कहा भाई अंग्रेजी भी पढ़ाओ। तो उस टाइम तो जाट बहुत थी जाट की, लेकिन उसमें भी माइनॉरिटी ओपिनियन की मतलब जो है एक जगह थी, वो माननीय लोगों ने कि भाई हंसराज जी जो कह रहे हैं अंग्रेजी भी शुरू कर लो, आज करके दिखा दो माइनॉरिटी अपनी बात में मतलब कि आंधी हो तो। और वो सिर्फ तो बड़ी स्वर्ण जातियाँ में नहीं, वो सारी जातियाँ में हो गया ये एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की पैदा के भाई उसमें तो जो उबर का है उन्होंने जो कह दी वह बात फाइनल है, तर लगी सुननी नहीं। तो ये जगह हैं जिनको देखना पड़ेगा कि मतलब कैसे हम इस सारे से रूबरू होके, और ये कैसे हरियाणा एक पवित्रता के साथ अपनी एक रिफ्लेक्शन दे। और मेरे लिए मतलब क्योंकि जिस तरह से सुधीर शर्मा जी ने बहुत साफ तौर पर रख दी चीज़ें, लेकिन ये कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, ये आज जब आप बात करके सीधे कर लेंगे तो 30 साल तक तो लाग रहे हैं। आप जो सांस्कृतिक मंच बनाया उस दिन तो लागू हुए थे कि यह बोली है भाषा है, उस टाइम न्यू भी कहनियाँ थे कि नया भाषा है, और न्यू भी कहनियाँ थे कि यह बोली है। वह ये अब ड्यू कोर्स में, ये ठीक है कि ड्यू कोर्स में मे बी दैट द नेशनलिटी हरियाणवी नेशनलिटी कोई स्वरूप ले, क्योंकि एक स्टेज के बाद हिंदुस्तान में ही नेशनलिटीज़ का वो प्रोसेस ख़त्म हो गया था, जो बन गई थी, तो शायद ये हरियाणवी भी एक नेशनलिटी भी, नेशनलिटी के साथ फिर एक भाषा भी, और वो भाषा कैसी होगी उस पर अगर हम काम करेंगे, नहीं तो बोली के स्तर पर बोली कह के इसमें जो भी हम विकास कर सकते हैं हम उसके साथ हैं, और उसके लिए जो भी होगा वो करें। थैंक यू। रोहतक में महिलाओं का गीत है, माँ बापा ने जुल्म करे मैं पढ़े लिखे के ब्याह दिए, वो बोले अंग्रेजी बोली मेरी समझ ना आती है। मेवात की भी महिला इसी तरह का गीत गाती है, भाण मेरो बारम जेंटलमैन वो तो अंग्रेजी में बोले। अब भाषा में हेर फेर है, लेकिन जो एक मानसिकता है वो सारे ग्रामीण क्षेत्र में, सारे हरियाणा में एक ही है। तो ये निश्चिंत रहना चाहिए डॉक्टर साहब को कि समय के साथ साथ निश्चय ही हरियाणवी एक ऑल इंक्लूसिव ऐसी समग्र भाषा बन पाएगी, लेकिन अभी शुरुआत है, हम कुछ ज़्यादा इसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ज़रूर होगा। दूसरी बात इन्होंने बहुत अच्छी कही है कि उसको बोलने में तो ठीक है या लिखने में दिक्कत आती है ना, पढ़ने में कोई नहीं पढ़ता कोई, ये भी बात ठीक है।
हर एक भाषा का अपना एक रिदम होता है। हरियाणवी का रिदम ऐसा है जो बोलने में जो है ज़्यादा प्रभाव डालता है, लिखने में नहीं। दुनिया भर के कितने चुटकुले हैं, किताबों में छप गए, लेकिन उनको पढ़ करके कोई लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित या हंसते नहीं। लेकिन उसी चुटकुले को जब उस रिदम से उस भाषा में बोला जाता है तो लोग इन्जॉय करते हैं। ये इस भाषा के रिदम की विशेषता है। बहुत सी भाषा ऐसी हैं कि वो बोलने में अच्छी नहीं लगती। अंग्रेजी में कहते हैं सिंग सॉन्ग लैंग्वेज, क्या ऐसे करके एक आदमी बोल रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। लेकिन यहाँ का आदमी, चाहे वो किसी क्षेत्र का हो, अहिरवाटी का हो, कहीं का हो, जब बोलता है तो बोलने में कई बार किसी चुटकुले को मैं हिंदी में सुनाता हूँ तो कहते नहीं 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 नहीं, आप अपने उसमें ही सुनाओ। हालांकि वो समझते नहीं, लेकिन लबो लहजे को पसंद करते हैं। मुझे वो ख़ास चुटकुला भी याद है, मिरासी के घर के अंदर चोरी हो गई। वो जाके पुलिस वाले के पास गया और बोला, जी मेरे चोरी हो गई। उसने कहा लिखवाओ। बोला, जी लिखो एक परात। सिपाही थानेदार बोला, और? बोला, पहला वा तो दिवा दे। अब ये बात अब लिखित में कैसे ही कर दे, पढ़ने वाला इसको किल भी कर सकता है बहुत सारे जोक्स को। इसलिए इस बारे में भी बड़ा निश्चिंत रहना चाहिए कि समय के साथ साथ वो रिदम भी पकड़ लेगी। और मैं आश्वासन ये भी दिलाना चाहता हूँ कि प्रेम का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, और नए परिंदे को उड़ने में वक्त तो लगता है। मैं इसमें एक दो बात और जोड़ दूँ सिर्फ जानकारी के लिए, क्योंकि कुरुक्षेत्र आया हुआ हूँ। कुरुक्षेत्र में लिंग्विस्टिक्स डिपार्टमेंट में, पुराने वक्त की बात है, प्रोफेसर जे डी सिंह होते थे, प्रोफेसर जगदेव सिंह, हमारे रोहतक के पास भगवतीपुर गांव के थे। उन्होंने पूना कॉलेज के साथ किसी कोलेबोरेशन के अंदर एक बार एक ग्रामर लिखा था, ए डिस्क्रिप्टिव ग्रामर ऑफ बांगरू, ये मानते हुए कि रोहतक के आसपास के इलाके का कोई व्याकरण विकसित किया जाए हरियाणवी का। तो वो व्याकरण विकसित उन्होंने किया, हालांकि उस तरीके से वो हरियाणवी एकेडमिशियंस में कितना पॉपुलर रहा, उसको लोगों ने कितना रिसीव किया, ये एक बात की बात है, लेकिन वो बहुत कोट किया गया। डॉक्टर पूर्णचंद शर्मा ने जो हरियाणवी व्याकरण पे काम किया, उन्होंने भी बहुत कोट किया और एक बड़ा स्टैंडर्ड का माना गया। दूसरी बात ये कि जो एब्सोल्यूट स्टैंडर्डाइजेशन है वो तो तेलुगु में भी नहीं है, तेलुगु के अंदर भी डायलैक्ट्स हैं। मतलब हैदराबाद की अगर भाषा में और दक्षिणी आंध्र प्रदेश की अगर तेलुगु को हम सुनेंगे तो उसमें भी इंटरनल डिफरेंस हैं। मद्रास के पास की जो तमिल है और जो कोयम्बटूर के पास की तमिल है उसमें डिफरेंसेस हैं। नागपुर की मराठी वो नहीं है जो गोवा के कोंकण के पास के इलाके की मराठी होगी। तो ये तो इंटरनल डिफरेंसेस तो हैं, और एब्सोल्यूट स्टैंडर्डाइजेशन जिसकी कोई बार हमको चाहत रहती है, और वो चाहत इसलिए होती है जैसा प्रोफेसर दहिया साहब ने जिक्र किया कि रिटन स्क्रिप्ट के लिए तो एक स्टैंडर्डाइज चीज़ आपको चाहिए। वो तो संस्कृत के पास भी नहीं है एब्सोल्यूट स्टैंडर्डाइजेशन। तो वैदिक मंत्र की संस्कृत वो संस्कृत तो है ही नहीं जो पुराण की संस्कृत है, जात वेदो स आवह। अब ये भाषा पुराण में तो कहीं नहीं मिलती। तो वो जो बाद में पाणिनि ने खूब हाथ पांव मारे और जबरदस्त तरीके से एक जबरदस्त काम प्रोड्यूस किया अष्टाध्यायी का, स्टैंडर्डाइज हो गया, लेकिन आज भी वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के बीच में कोई हम मिडल पाथ, वो एब्सोल्यूट स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो पाया। और मैं इसमें यह कहना चाहूंगा, मेरी कई बार साथियों से बात भी होती है, प्रोफेसर बी डी चट्टोपाध्याय ने दो चार साल पहले, साल भर पहले इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस में एक अच्छी बात कही। वो ये कही कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में एक आइडिया बड़ा हावी है, शायद नेहरू के कारण, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारी दृष्टि डाइवर्सिटी की बजाय यूनिटी की तरफ ज़्यादा रहती है। हमारे अंदर एक जबरदस्त ललक है, एक सूत्रता खोज लो, एक तार खोज लो, माला के सभी मनकों के भीतर छुपा एक तार, सभी सृष्टि के अंदर छुपा एक ब्रह्म। वो जो एकत्व की, वो जो यूनिटी की जो खोज है ना, वो जो स्टैंडर्डाइज कर देने की खोज है, वो हमको डाइवर्सिटीज को सेलिब्रेट करने से रोक देती है। तो प्रोफेसर दहिया की इस बात में पूरी तरह सहमत हूँ कि वो जो डाइवर्सिटीज हैं वो डाइवर्सिटीज सेलिब्रेट हों, अम्बालवी भी सेलिब्रेट हो, मेवाती भी सेलिब्रेट हो। प्रोफेसर सुधीर शर्मा जी को मैंने पहली बार जब रोहतक में सुना था तो सर आपने ये जिक्र किया था कि हम तो आज तक सूरदास को भी अपना क्लेम नहीं कर पाए, वो तो फरीदाबाद का है। लेकिन अगर किसी मध्य भारत के या दक्षिण भारत के आदमी से पूछेंगे तो ये कहेगा जी होगा उत्तर प्रदेश का, क्योंकि उत्तर प्रदेश का आदमी ज़्यादा काम करता है सूरदास पे। ज्योग्राफिकली तो सूरदास फरीदाबाद के हैं, सीही गांव के हैं, हमने उनका अपना क्लेम ही नहीं किया। और आखिरी बात ये कि हरियाणा की सारी रिलीजियस, सारी लोक परंपराओं की प्रेरणा लगभग राजस्थान से है। गुग्गा पीर राजस्थान में, खाटू श्याम राजस्थान में, मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान में, सालासर राजस्थान में, ये राज अब कल्चरली वो बाउंड्री नहीं बनेगी जो पॉलिटिकली बाउंड्री बनती है।
राजनीतिक बाउंड्री तो कुछ खींच दी, उसके कुछ कारण होते हैं, लेकिन सांस्कृतिक बाउंड्रीज वैसी नहीं बनेगी। मेरी सांस्कृतिक बाउंड्री तो बहुत अंदर चली जाएगी। सिरसा में रामदेव पीर को मानते हैं, अब रामदेव पीर तो राजस्थान में मिलेंगे, हरियाणा में नहीं मिलेंगे, लेकिन उनका कल्चरल इम्पैक्ट हरियाणा के अंदर भी मिल जाएगा, पाबू जी का भी मिल जाएगा, और गुगा पीर के तो क्या कहने। तो ज्योग्राफी के ऊपर मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा हमें एक बात ये तय कर लेनी पड़ेगी कि सांस्कृतिक बाउंड्री वो नहीं है जो पॉलिटिकल बाउंड्री है। पॉलिटिकल बाउंड्री कागज पे बनी है, सांस्कृतिक बाउंड्री हजारों साल के एवोल्यूशन के बाद बनी है। खैर, मैं इसके बाद आमंत्रित करूंगा नवरत्न पांडे जी को कि वो आए और अपने उद्बोधन से हरियाणवी लेखन में बदलते मिजाज पर अपना वक्तव्य रखें। प्रबुद्धिस्त सदन को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और मेरे जो वरिष्ठ साथी गुरुजन यहाँ पे करीब करीब सारी की सारी बातों का निदान भी दे गए हैं, तो बहुत ज़्यादा बोलने से और बहुत ज़्यादा चीज़ों का जब हम मूल्यांकन करते हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ों का जब हम उसका डाइसेक्शन करते हैं तो चीज़ें क्लिष्ट हो जाया करती हैं। सीधी पादरी सी बात है कि अब तक जो एक सामान्य सा दृष्टिपात यदि हम करें तो मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि अब तक तो हम जो हमारे बुजुर्गों ने जो काम किया उसको इकट्ठा करने में लगे रहे। कोई लोकोक्ति इकट्ठी कर ली, कोई मुहावरे एकत्रित कर लिए, कोई लोक कथाएं लोक गाथाएं इकट्ठी कर ली, पंडित लक्ष्मीचंद जी की रागनियों पर किसी ने काम कर लिया, तो डिस्क्रिप्टिव काम जो है वो होता रहा। अब सही मायने में ज़रूरत जो है वो जो दो चीज़ों पे यदि संक्षिप्त में कहूँ तो एक तो मौलिक काम करने की ज़रूरत है, और मौलिक काम करने के लिए जो अभी गांव ग्राम में जो 81 साल का जो बूढ़ा बूढ़ी जो बचे हुए हैं उनके पास जो है वो बैठ करके और दो चार दस मिनट उनसे बात पूछने की ज़रूरत है, नहीं तो वो उन बातों को साथ लेकर के चले जाएंगे और हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। और उसके लिए मुझे एक दो चीज़ें यहाँ विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पिछले 20 साल से स्कूली छात्रों के साथ जो है वो नाटक को लेकर के और स्टेज को लेकर के वहाँ हम लोकल नुक्कड़ करते हैं, तो उसमें मुझे जो दिक्कतें आती हैं या दिक्कतें आई, हम खेमों में बटे हुए हैं। अगर मेरे पास कोई बढ़िया आर्टिस्ट है, छठी क्लास का है, सातवीं कक्षा का बच्चा है, तो अव्वल तो जो है वो उसकी दो पोजीशन आते ही और वो प्राइवेट स्कूल वाला उसको खींच करके ले जाएगा, और प्राइवेट स्कूल में सबसे बड़ी बात जाते ही उसको जो कही जाती है वो ये कही जाती है कि हरियाणवी नहीं बोलनी है, वहाँ तो हिंदी भी नहीं बोलने देता वो। APJ स्कूल में यदि बच्चा जा रहा है तो दिन में हिंदी में बात करने पर जो है वो वहाँ पर फाइन लगा दिया जाता है। तो अब स्थिति जो ये निकल करके आती है कि 11वीं 12वीं के बाद जब बच्चे को वास्तव में ये पता चलता है कि उसको अपनी बोली का ज्ञान क्यों नहीं है, उसको जो है अपनी खेती बाड़ी के राज का पता क्यों नहीं है, कोलड़ी क्या होती है, गंडस्या क्या होती है, इंडियाड़ा गिलास के है, बेलचा के है, इन चीज़ों का जब उसको उखड़ मुसड़ क्या है जब उसको नहीं पता होता और उसको वास्तव में तो बहुत देर हो चुकी होती है, तो उसके पास क्या दिक्कत आती है कि जब वो किसी कार्यक्रम में जाता है तो वो पोली ने पोली बोले है, वहाँ पर वो जो है वो तीन ना उसको अंग्रेजी ढंग से आई, ना उसको हिंदी आई और ना उसको हरियाणवी आई। तो विद्यालय स्तर पर जो है वो कुछ ऐसा साज संभालने की ज़रूरत है, और वो तब हो पाएगी जब हम हरियाणवी बोली को ग्लैमराइज करेंगे। हरियाणवी बोली को जो है जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हरियाणवी बोली को जो है वो और चीज़ें ग्लैमराइज जब होती हैं जब उसकी धूल झाड़ करके और उसमें जो डार्क शेड्स हैं जो उसमें धूसरपन है उस बोली में उसको झाड़ पहुँच करके और सुंदर तरीके से जो है वो प्रस्तुत जब उसको की जाएगी। क्योंकि आज तो हालत ये भी है कि जब बैंजो और गढ़वे के ऊपर जो है वो लक्ष्मीचंद की रागनी गाई जाती है तो वो उसको समझने में बाहर से अगर यदि आता है दूसरे प्रदेश का या पंचकुला का या चंडीगढ़ का या गुड़गांव के आसपास का या जो हरियाणवी आदमी है जो आज से 20 साल पहले जो है वो गांव ग्राम छोड़ करके और वहाँ चले गए थे
उनको भी उस बात को समझने में टाइम लग जाता है। तो उसको झाड़ पहुंच करके और एक सुसंस्कृत रूप दे करके और उसको प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। फ्रैक्चर्ड सोसाइटी है हम, न जाने क्यों जो है वो किस बात का कंप्लेक्स है, यानी कि पहल हमारी जो है वो हिंदी ही रहती है। हंस में छपना या ज्ञानोदय में छपना या कथादेश में छपना आज भी साहित्य जगत में और हरियाणा के ही साहित्यकारों के बीच बड़ी बात मानी जाती है। हरिगंधा में यदि कोई कहानी या देश हरियाणा में कोई हरियाणवी कहानी छपती है तो उसको हल्के में लिया जा रहा है। बोली में लिखना जो है वो यदि गर्व की बात मानी जाएगी तो मुझे लगता है कि हमारी बोली के विकास के लिए जो है वो कुछ अच्छा हो सकता है। मैं अपनी चार पंक्तियों के साथ जो है वो अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग, क्योंकि लंबी छोटी बात जो है वो कही भी नहीं जाती हैं कि नए घर में पुरानी चीज़ों को कौन रखता है, नए घर में पुरानी चीज़ों को कौन रखता है, अपनी छत पर कुंदों में पानी कौन रखता है। वो हम ही तो हैं जो संभालेंगे बिखरी हुई चीज़ें, वरना तो घर में बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है, वरना तो घर में बुजुर्गों की निशानी कौन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेकुलर चुटकला हरियाणा में, मतलब हरियाणा में जो भी चुटकले हैं जिसकी हम बड़ी वो करते हैं, मतलब मैंने तो छेक लिया, मैं टोटो के एंटी दलित है, एंटी वुमेन है, मतलब इतना वो है वो चुटकला भाई। सेकुलर चुटकलियाँ का एक यो एक बना लें आप के सेकुलर चुटकले टो ना हरियाणा में, ये बड़ा काम होगा हरियाणवी को बचाने के लिए। पहले की जनरेशन में, क्योंकि हरियाणा के बदलते मिजाज पर बात चल रही है, तो मैं एक बात अपनी तरफ से भी कह दूँ, संचालन का काम मुझे दे दिया गया था, वो ये कि हमसे जो पहले की पीढ़ी थी जो हरियाणवी राइटिंग्स करती थी, उनमें उनकी बनिस्बत हमें एक एडवांटेज है। हम जिस एज के अंदर आए, हमको इंटरनेट मिला, हम इंफॉर्मेशन की डेफिशिएंसी में नहीं है। अब हमारे साथ एक सुविधा ये है, मुझे 1881 के डॉक्यूमेंट के अंदर एक गांव के अंदर किसी कास्ट के ज़मीन का प्रपोर्शन देखना है, वो एक क्लिक के ऊपर है आर्काइव्स के अंदर। अब बहुत इंफॉर्मेशन की कमी में नहीं जीता मैं, मेरे पास अब वो बात ठीक है कि मौखिक परंपराओं के अंदर चीज़ों को डॉक्यूमेंट करने की भी ज़रूरत है, लिंक था। तो मैं कह रहा हूँ आगे मिजाज अभी और बदलेगा, सूचना ही नहीं थी, अब वो सारी सूचनाएं इंटरनेट से एक झटके के अंदर आएंगी, और मुझे लगता है जब ये युवाओं तक पहुंचेंगी, यंग स्कॉलर्स तक पहुंचेंगी, तो फिर बहुत ज़्यादा बदलाव आने और भी बाकी हैं। इसके बाद समय क्योंकि बहुत थोड़ा है, बार बार डॉक्टर साहब आके कह रहे हैं, तो संवाद का एक छोटा सा सेशन, सीनियर्स हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ कोई अगर कोई बात पूछना चाहे तो। मैं करनाल से अशोक भाटिया, विषय था हरियाणवी लेखन का बदलता मिजाज। जितने उदाहरण यहाँ दिए गए सारे के सारे कविता से जुड़े हुए और वो भी लोक साहित्य से जुड़े हुए दिए गए। सवाल यह है कि सुभाष जी ने भी ये बात कही थी कि भाषा जो में निखार आता है वो गद्य से आता है, हरियाणवी लेखन में गद्य कहाँ है? हरिगंधा में आता है, हमारा देश हरियाणा में आता है, अच्छी बात है। सवाल यह है कि हंस, कथा देश, वर्तमान साहित्य जैसी पत्रिकाओं में जिस तरह का हिंदी का गद्य आ रहा है, हरियाणवी में वो गद्य क्यों नहीं है? पहले तो इसके कारणों को हम ज़रूर बताया जाए। दूसरी बात यह है कि लक्ष्मीचंद मांगेराम का जिक्र हम खूब करते हैं, अच्छी बात है। नवरत्न पांडे जी ने फिर कहा कि नए सिरे से ग्लैमराइज करके चीज़ों को लिखा जाने की ज़रूरत है, लेकिन नया लेखन कहाँ से आए? बुज़ुर्गों के पार बैठिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हरियाणा की जो प्रतिभा है वो नई समस्याओं को, आज के ज़माने को अपने लेखन में कब उतारेगी? आज भी अगर हम उसी तरह की चीज़ें पुरानी लिखेंगे तो फिर उसमें उसकी स्वीकृति कहाँ होगी आज के समाज में? मेरे ये दो सवाल हैं। तीसरा सवाल ये भी है, सवाल तो बहुत सारे हैं, हम लोकगीत की बात करते हैं, लोकगीत वो होते हैं जिनका कोई रचनाकार हमारे पास नहीं होता, लोकगीत पीढ़ी दर पीढ़ी नदी के पत्थर की तरह चलते जाके, घिसते जाके सर्व स्वीकृति के रूप में हमारे सामने आते हैं, लेकिन हम लक्ष्मीचंद के गीतों को लोकगीत कहते हैं, हम मांगेराम के गीतों को लोकप्रिय कहते हैं, मेरे विचार में वो लोकगीत नहीं है, वो लोकप्रिय गीत हैं। शुक्रिया। मैं जींद से मंगत राम शास्त्री। एक तो टिप्पणी के साथ ही कुछ बातचीत को आगे बढ़ा रहा हूँ। डॉक्टर दहिया कह रहे हैं कि कोई जनतांत्रिक चुटकले हरियाणा में, ऐसी बात नहीं है। हम 94-95 में जब ज्ञान सत्ता निकालते थे तो हमने हर इश्यू में चुटकले देते थे। 70 चुटकले मेरे पास हैं जो ना तो महिलाओं पे हैं वो, ना किसी कास्ट पे हैं,
और बस ये है कि वो अंदाज है हरियाणा बोली का, वो कहने का अपना तरीका है, इसलिए वो लिखे हुए और कहने में फ़र्क है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कह सकता हूँ कि ऐसे ही एक बूढ़ा बैठा था, चुटकुले को कह रहा हूँ मैं, एक बूढ़ा बैठा था और मेरे जैसा चला गया, ताऊ के ज्ञान ठीक ठाक आग भाई ठीक ठाक, अक् छोरे हैं अक दो हैं केला गे हैं अक भाई डॉक्टर हैं, क्या के डॉक्टर हैं, नू बोले नू तो मन बेरा नहीं क्या के डॉक्टर हैं, पर जब मैं उन कि मैं कहूँ हूँ नहीं तो नू कहेंगे के बीमारी है। अब इसने लिख दो इसका के अर्थ लिखेगा, यू के चुटकला बनेगा लिखाई में, लेकिन इसका जो अंदाज है कहने का इसने ये चुटकला बना दिया। तो दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि सर्टिफिकेट की भी जो बात थी ये सही है कि केवल मात्र सर्टिफिकेटों से तो नाटक और साहित्य उसका उद्देश्य नहीं हो सकता, लेकिन सर्टिफिकेट की भी जहाँ तक बात है 2014 में ये जो यहाँ रत्नावली होती है उसमें मेरे बेटे ने मेरी एक कविता, लंबी कविता थी हरियाणवी, वे दिनावें याद मेरे जब वो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था तो यहाँ आया था, वो उसने वो कविता सुनाई थी और उसमें वो संयोगवश 70 प्रतिभागियों में से वो प्रथम आ गई कविता, उसका फर्स्ट सर्टिफिकेट बन गया। वो लड़का यहीं है आजकल, एमए इंग्लिश में है और उसके 5 नंबर कम बनते थे मेरिट में, उस सर्टिफिकेट ने उसके 5 नंबर लगवा दिए और वो एमए इंग्लिश में उसका दाखिला हो गया। मानव है मेरे ख्याल ज़्यादातर SFI वाले साथी उसको जानते भी होंगे। तीसरी बात इससे हटके एक मैं और कहना चाहता हूँ, जो नाटक वाले, क्योंकि मौका मिला है तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई एक बात और कह दूँ। नाटक पर जो बहस थी काफ़ी दबाव से मैं कह रहा हूँ कि सींग जाम जाए ये तो अच्छी बात है, होने चाहिए, लेकिन सींग जामण तो पहला उनने ओड़े खत्म कर दे तड़ दे, यह सबसे बड़ी बात है। सींग जमे और वो टकरावें इतना तक तो होना चाहिए, ज़रूरी है ये टकराहट तो। लेकिन अपने हरियाणा में एक और बात है, वो पुराने आदमी कहते सुने हैं कि भाई सरपणी है ना, जो सरपणी अपने जामे आने भी खा ले है कई बार। मुझे कई बार ये अंदेशा होता है, मैं डर जाता हूँ कई बार कि कहीं ये जो हरियाणा का जो कल्चरल का और ख़ास तौर पर जो इस एरिया में काम है इसमें हम कहीं सरपणी ना बन जाएं, बनते दिखाई देते हैं, मुझे भय होता है कहीं हम सरपणी ना बन जाएं कि हम अपना आप पे जामे आना है खान लग जावा। इसलिए ज़रूरी है कि पोषण ज़्यादा ज़रूरी है, उसका पोषण नहीं हो रहा, सिंह सांग कोई लंबा चौड़ा मसला नहीं है, इसलिए मतलब इस पे और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और आखिरी बात कि जिसके बारे में कल से हम चर्चा कर रहे हैं हरियाणवी लेखन की और उसकी, मतलब यहाँ हरियाणा के कवियों की कविता, वो भी यशपाल शर्मा भी कल मतलब मौका लेके, क्योंकि वो बड़ी हस्ती हैं, 2-3 कवियों की कविता कह गए जैसे कैसे भी, बाकी कोई ऐसा नहीं था, नहीं तो वहाँ थे को 40-1 आदमी, उसमें 20-25-30 कवि थे, एक एक कविता एक एक मिनट की, 2-2 मिनट की, मतलब ये जो थोड़ा सा उसको, चाहे उसको ग्लैमराइजकरण की बात कह लो, चाहे उसको जगह देने की बात कह लो, अपने लोगों को स्वीकार करने की बात कह लो, मतलब 5-7-10 लोग तो छांट के ऐसे उनको तो अवसर देने ही देना चाहिए, भाई 3 मिनट की बजाय 10 मिनट भी दे दें, जिससे कम से कम या तो स्थापना हो जाए कि हरियाणा में भी कोई है लिखने वाला। थैंक यू। अशोक वशिष्ठ, वैसे आजकल करनाल में हूँ, मेरे पूर्वजों की जन्मभूमि जिला रोहतक प्रॉपर महम है, मेरे परिवार ने जो है, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हरियाणा में हिंदी साहित्य को अगर उनमें से ना किसी को छुआ जाए तो वो अपने आप में अपूर्ण है। अभी मैं कई विद्वानों की, बहुत सीनियर वरिष्ठ कवियों लेखकों की बातें सुन रहा था तो मुझे कुछ ऐसा आभास हुआ कि इन्होंने उस समय के हरियाणा के या हरियाणवी लेखकों को छुआ ही नहीं जब हरियाणा बना ही नहीं था। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि जब हरियाणा बना ही नहीं था, हरियाणा बना कैसे, ये भी हरियाणवी कवि और लेखकों से ही जाना जा सकता है।
इसकी नींव रखने में उन हरियाणवी लेखकों और कवियों का ही हाथ रहा है जिसने हरियाणा को पहचान दी है, उसकी केमिस्ट्री तैयार की है, उसको जोग्राफिया तैयार किया है। और आपको एक दूसरी बात मैं और आश्चर्यजनक बताना चाह रहा हूँ कि शायद इतना हरियाणवी साहित्य हरियाणा बनने के बाद नहीं लिखा गया जितना हरियाणा बनने से पूर्व लिखा गया है। अगर आप में से बहुत सीनियर विद्वान यहाँ बैठे हैं, जन साहित्य उठाकर देखिए, आप सप्त सिंधु उठाकर देखिए, ये भाषा की बात कर रहे हैं, बोली की बात कर रहे हैं। जब हरियाणा बना ही नहीं था तब ही हरियाणा को, हरियाणवी बोली को भाषा में परिवर्तित करने के लिए व्याकरण तैयार किया जा रहा था। मुझे याद है भाषा विज्ञान का दफ्तर जब पटियाले में होता था, किले में, तो मैं अपने पिताजी के आर्टिकल हाथ से लिखे हुए वहाँ देने जाया करता था। मैं बहुत छोटा था उन दिनों। और यहाँ कई विद्वान ऐसे हैं जो उनकी एग्जाम्पलें देते हैं। महम से ही डॉक्टर नानक चंद शर्मा जो हरियाणवी लिखता है और पढ़ता है, ऐसे लेखकों को अगर ना छुएगा तो मैं समझता हूँ कि उसे हरियाणवी के बारे में कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं है। आप में से बहुत लोग कम जानते होंगे कि हरियाणा जब बना ही नहीं था तो हरियाणवी बोली में श्रीमद् भागवत गीता के 18 के 18 अध्याय हरियाणवी बोली में लिखे गए थे, वो जन साहित्य में छपे थे। और उसके साथ साथ दिल्ली रेडियो स्टेशन पे साय टाइम में हमारे पिताजी स्वयं उसको प्रस्तुत करने जाया करते थे। और उन दोनों लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था कि माघ भागवत गीता के 18 के 18 अध्याय का पद अनुवाद वो अपनी भाषा में प्रस्तुत करते थे। तो मैं अपनी बात को विराम देना चाहूँगा। मेरा सिर्फ इतना ही अनुरोध है इन पुरुषों से कि उन साहित्यकारों को जरूर छुएं, जब ये हरियाणवी की जब जब भी बात करें तो हरियाणवी बोली और व्याकरण से लेकर उन साहित्यकारों को जो पंजाब में बैठे हैं उनको छूने के बाद ही आगे इस बात को आगे बढ़ाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। सर, मैं इसी बात पे बोलना चाहूँगा कि जिन्होंने जितना जितना कुछ किया है पहले उसको तो सलाम कर लो, जो नहीं किया हम उसके पीछे इसीलिए 50 साल से हम आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। जो कुछ कर रहे हैं उसको रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हैं। जिसने जो कुछ किया है कम से कम उसको तो रिस्पेक्ट दे लें, उसको तो सराहना कर लें, उसको तो रिस्पेक्ट दे लें। हम अपने अपने कब बाहर निकलेंगे इन चीज़ों से? आई एम सॉरी बट ये अच्छी बात नहीं है। 50 सालों से चल रहा है, अभी आगे भी ये नहीं तो यही चलता रहेगा सालों सालों तक। हम जो जिसने जो किया है, जिसमें जो अगर नुक्कड़ नाटक में किसी की वो मास्टरी है तो वी शुड सैल्यूट देम। अगर किसी में, अगर कोई ब्रेक्थियन में या कोई रियलिस्टिक उसमें है, कोई ग्रोटोस्की की थ्योरी या जिस तरीके भी अलग अलग थ्योरी में जो भी नाटक कर रहे हैं या फिल्में कर रहे हैं या रागणी लिख रहे हैं या कोई कर रहे हैं, कोई कह रहा है वो लोकगीत नहीं है, हम नहीं मानते। अरे मत मानो, दुनिया मान रही है, आपके मानने से क्या है? किसी को रिस्पेक्ट देने में जाता है क्या? मैं कह रहा हूँ कंडेम करना छोड़ दो, नफरत करना छोड़ दो, कम से कम रिस्पेक्ट दे लो और अपनी भी बात कहो बस। मेरा ख्याल है प्रोफेसर सुधीर शर्मा जी की अध्यक्ष टिप्पणी एक बार हो जाए यहाँ पर। हम काफ़ी विस्तार से बातचीत कर चुके हैं, बस एक जो आपने प्रश्न पूछा था उसके सभी जवाब मैं अपनी बातचीत में कह चुका हूँ। एक तो ये कि एक नया अंदाज है, तो अभी तो शुरुआत है, ये सब बातें होंगी जो आप सोच रहे हैं कि होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि उपन्यास आदि का हमने जानबूझ के जिक्र नहीं किया, उपन्यास भी लिखे जा रहे हैं, जैसे एक युद्धवीर करके उपन्यास है जो आजकल के हालात पे है, और भी लोग लिख रहे हैं। ये इतना व्यापक और विस्तृत विषय है कि इस पे तो अलग से एक सेमिनार या गोष्ठी हो सकती है। और तीसरी बात ये है, जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि जितना है उसको संभाल के रखें, और जो आपकी शिकायत थी, हमने नानक चंद को भी, ताराचंद विलक्षण को भी, जिन्होंने वो हरियाणवी गीता लिखी है उनको भी, और जिन्होंने रामायण लिखी है उनको भी, वो एक दूसरा युग था, अब ख़त्म हो गया। और अब भी जो नई बातें आ रही है उसके ऊपर लोग लिख रहे हैं। मैं दो छोटे छोटे उदाहरण देता हूँ। पहला ये कि एक सांगी ने लिखा है, रूप कला तेरा रूप देख मेरे जी ने रासा हो गया, तू मिश्री की डली डली में खांड पतासा हो गया। अब रासा, खांड, पतासा, वो सारी ऐसी उपमाएँ हैं जो आज
के दर्शक आजकल के श्रोता को समझ में नहीं आएंगी। तो रामकृष्ण व्यास ने जो लिखा है वो यूँ कि रामकृष्ण रूप कला तेरी आँखें की, रूप कला तेरा रूप देख आस जीण की छूट गई, तेरी दो आँखें की गोल पुतली रामकृष्ण ने छूट गई। एक और जगह है, बारह बरस तेरी भैंस चराई पाँ पड़वाली पाली बनके परले पार लिकड़गी हीरे लो की रफल दुनाली बनके। ये प्रभाव है। तो ऐसी बात नहीं है कि समसामयिक घटनाओं का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अब यह है कि कितनी घटनाएं बता दें। मूल रूप से यह है कि जो कुछ हमारे पास है, जो भाई यशपाल ने कहा कि भाई उसी को सम्मान से देखें, और आप लोगों ने इतने ध्यान से लोक संस्कृति के बारे में सुना और सहमति और असहमति जताई, उसके लिए आप सबके बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। मैं यहाँ पर पहुँचने पर सभी श्रोताओं का शुक्रगुजार हूँ कि इतने लंबे सेशन को, और क्योंकि पूरी तरीके से बौद्धिक बहस थी उसको इतने धैर्य से उन्होंने सुना, और पूरे के पूरे पैनल का, सबसे सीनियर प्रोफेसर सुधीर शर्मा जी का, प्रोफेसर रणबीर सिंह दहिया जी का, बड़े भाई नवरत्न पांडे का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इतने विस्तार से बातचीत रखी। और ये विषय क्योंकि इतना जटिल और दुरूह है, और इसको इतनी थोड़ी सी देर के अंदर समेट पाना, मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी बातचीत यहाँ पर हुई। और आखिर में इतनी बात कहकर ख़त्म करूँगा कि डिसएग्रीमेंट्स, असहमतियाँ तो लॉन्चिंग पैड हैं, स्प्रिंग बोर्ड हैं, जहाँ पर खड़ा होकर हमको छलांग लगानी है स्विमिंग पूल के अंदर। तो जितनी ज़्यादा असहमतियाँ उभरें उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार बात होगी, उतना ही अच्छा होगा समाज के लिए।